हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी रिसर्च। होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। माय नेम इज प्रीति, आई एम रिसर्च स्कॉलर एट आईआईटी बॉम्बे। तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोज देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोज चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोज के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी मंडी के बारे में। तो आईआईटी मंडी की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए थे, तो उनकी लास्ट डेट ओवर हो चुके हैं और जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनकी लिस्ट आ गई है। उसके लिए आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट में आपको एडमिशन सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो भी शॉर्टलिस्टेड क्राइटेरिया है पीएचडी का, एमटेक का, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है फॉर स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल एनर्जी, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसको हम ओपन करेंगे तो ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे उन्होंने पूरा डिटेल दिया हुआ है और आपको गूगल फॉर्म भरना है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो भी है तो इंटरव्यू का मोड्स वगैरह सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे लिस्ट दी हुई है और क्राइटेरिया 1 मेंशन किया हुआ है, क्राइटेरिया 2 रेगुलर फेलोशिप के लिए, तो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट दी हुई है, तो वो आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम यहाँ पे है या नहीं और उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। और जो फेलोशिप उनके अंडर है CSIR, UGC नेट, उनका भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्राइटेरिया, और लिस्ट भी यहाँ पे मेंशन की हुई है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ पे 3 ही है, CSIR, JRFE से। और थर्ड क्राइटेरिया और फोर्थ, उनके भी सारे सारे लिस्ट दिए हुए हैं। जो ABCDEF क्राइटेरिया है, सारे क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे लिस्ट मेंशन की हुई है, तो वो आप चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे दूसरा डिपार्टमेंट है, जैसे रिजल्ट ऑफ पीएचडी शॉर्टलिस्टेड नॉन शॉर्टलिस्टेड क्राइटेरिया फॉर सिविल इंजीनियरिंग, तो आप ये चेक कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे मेंशन है, और सिविल इंजीनियरिंग में आपको जियो टेक्निकल स्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल और वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग का सारा डिटेल्स मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लाइव रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट मिल जाएगा, विच इज 25 मई। और उस आने के लिए आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म वगैरह फिल करना है और आप चेक कर सकते हो रिजल्ट यहाँ पे। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, स्कूल, जो प्रोग्राम के लिए अप्लाई किए हो वो करके यहाँ पे रिजल्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर पीएचडी और सेमेस्टर, उसके लिए यहाँ पे मिला दिया हुआ है। फिर यहाँ पे SC EE के लिए दिया हुआ है, ऐसे आप व्यू ऑल करके सारे चेक कर सकते हो कि कौन से इसका शॉर्टलिस्टेड लिस्ट आया है, और बाकी के जिनका नहीं आया है तो वो बाद में आ जाएगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट, या फिर आप यहाँ पे पोर्टल पे चेक कर सकते हो। जो भी आपका डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे डालना है, ह्यूमैनिटीज, सिविल, कंप्यूटिंग, फिजिकल साइंस, जो भी है आपका, उस हिसाब से प्रोग्राम सिलेक्ट करना है रेगुलर, और उस हिसाब से आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के, आपका एप्लीकेशन नंबर डाल के आप यहाँ पे चेक कर सकते हो रिजल्ट, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपने जहाँ पे भी अप्लाई किया है उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।